Hey guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are well and fine. Alhamdulillah. Maybe अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह. तो हे गाइस, तो आज हम बना रहे हैं, यानी कि मैं नहीं बना रही हूँ, हम बना रहे हैं, यानी कि माय एल्डर डॉटर इज़ मेकिंग वेज हक्का नूडल्स रेसिपी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले हमने लिया था पानी, उसमें डाल दिया थोड़ा सा नमक एंड थोड़ा सा ऑयल इसमें डाल दिया है. हक्का नूडल्स तो ये देख सकते हैं बॉयल हो चुका है, इसको स्ट्रेन करने के लिए रख दिया है. अगेन हमने लिया एक पैन, डाल दिया है मैंने थोड़ा सा अदरक कूटा हुआ, देन उसके बाद में डाल दिया है गार्लिक का कूटा हुआ गार्लिक. ओके, इसे थोड़ा सा सॉटे करके ले लेंगे. इसके बाद हम डाल देंगे इसमें अनियन, ये बड़ा वाला वन अनियन चॉप किया हुआ है, तो इसे थोड़ा सा फ्राई करके ले लेंगे. इसके बाद में हम डाल देंगे चॉप किया हुआ कैरेट, इसे भी हम हल्का सॉटे कर लेंगे, एकदम पकाना नहीं है बिल्कुल, एकदम शॉर्टकट रेसिपी इजीली बन जाती है. इसके बाद में हम डाल देंगे कैबेज, देखो लंबे लंबे काटा हुआ है ये, इसे भी थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे. इसके बाद में हम डाल देंगे, इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे, एक बार सब मिक्स करते करते जाएंगे अच्छे से, एकदम गैस फास्ट रखेंगे, स्लो बिल्कुल नहीं रखना है हमें इसको. इसके बाद में मैंने एक कैप्सिकम काट के लिए लंबे लंबे, वो हम इसमें ऐड कर देंगे, वो हम लास्ट में ऐड कर देंगे क्योंकि वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाती है ना. तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक कैप्सिकम काट के लिया था लंबे लंबे, ये भी डाल दिया है, इसे भी थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लेंगे. ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये पक चुका है यानी कि, तो चलिए अभी हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ सॉसेस, ये हो चुके हैं ऑलमोस्ट. अभी हम सबसे पहले डालेंगे 2 स्पून विनेगर, देख सकते हो मैं डाल दिए है 2 स्पून विनेगर. इसके बाद में डाल देंगे 2 स्पून सोया सॉस, तो सोया सॉस के बाद में हम डाल देंगे 2 स्पून रेड चिल्ली सॉस. आप चाहो तो इसमें ग्रीन चिल्ली सॉस भी डाल सकते हो, तो मैं नहीं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादा तीखा मुझे नहीं चाहिए. तो अगर आपको स्पाइस चाहिए तो इसमें ब्लैक पेपर भी डाल सकते हो, तो मुझे ज़्यादा पसंद है चिल्ली फ्लेक्स, तो मैं इसमें डाल दिया है चिल्ली फ्लेक्स. इसे भी डाल के हम अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे, देख सकते हो अच्छे से मिलना चाहिए एक साथ में. गैस को हमें फास्ट रखना है, स्लो नहीं तो एकदम सॉफ्ट हो जाएगा. इसके बाद हम ऐड करेंगे हमारा बॉईल किया हुआ हक्का नूडल्स, अच्छे से मिक्स मिक्स कर लेंगे, फिर हमारा हक्का नूडल्स बन के तैयार हो जाएगा इस तरह से. एकदम फास्ट गैस पे हमें अच्छे से मिक्स करके लेना है इसे, देख सकते हो. तो आप लोगों को कैसे लगा मेरा एल्डर डॉटर का रेसिपी, अच्छा लगा है ना, तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके ये बताना. तो देख सकते हैं अभी हमारा वेज हक्का नूडल्स बन के तैयार हो चुका है, रेडी टू ईट देख सकते हो. तो कैसे लगा आपको मेरी रेसिपी, ज़रूर कमेंट एंड लाइक करके बता देना. अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल. तो चलिए फिर मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय.